हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई एम जतिन गुप्ता। मैं जतिन गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न अकेडमी प्लस में। तो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट idioms जो आपके एग्ज़ाम में बहुत बार रिपीट हुए हैं। तो बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं आज का शो 10 कदम। आज का फर्स्ट idiom है दोस्तों, All hands on deck means used to indicate that the involvement of all members of a team is required। कहने का मतलब है दोस्तों, आपको किसी काम को पूरा करने के लिए आपकी कंपनी में जितने भी मेंबर हैं उन सब की ज़रूरत है, तो उसके लिए बोला जाता है All hands on deck। इस idiom के ओरिजिन को देखो तो दोस्तों, ये एक ship से आया है। जब भी ship किसी मुसीबत में होती थी तो कैप्टन चिल्लाता था, अटेंशन ऑल हैंड्स ऑन डेक, मतलब कि शिप पे जितने भी क्रू मेंबर्स हैं वो सारे एक साथ मिलकर इस मुसीबत को हरा दे। तो इसका एक सेंटेंस में यूज़ कर लेते हैं दोस्तों, देयर आर 10 स्टाफ ऑफ 6 दिस वीक सो इट्स ऑल हैंड्स ऑन डेक। नेक्स्ट idiom है दोस्तों, टू बी ऑन द वेन। वेन का मतलब होता है दोस्तों कम होना, डिक्रीज होना। तो इसी वर्ड से आप इस idiom को याद कर सकते हो। idiom का मतलब भी हो गया बिकमिंग स्मॉलर या फिर लेस इम्पोर्टेंट, किसी की वैल्यू कम हो, इम्पोर्टेंट कम हो, तो उसके लिए idiom यूज़ किया जाता है टू बी ऑन द वेन। सेंटेंस, ही वॉज नॉमिनली डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर सर्टेनली बट हीज इन्फ्लुएंस वॉज क्लियरली ऑन द वेन। नेक्स्ट, ऑन द कार्ड्स। ऑन द कार्ड्स मीन्स लाइकली टू हैपन, होने की संभावना। अब आप इस इमेज से इस idiom को याद करो। जैसे मान लो ये ताश के पत्ते खेल रहे हैं, खेल भी रहे हैं भाई, और अब आपके पास कौन सा कार्ड है ये आपके सामने वाले व्यक्ति को नहीं पता होता, तो वो सिर्फ संभावना लगा सकता है कि भाई उसके पास ये वाला कार्ड होगा या ये वाला कार्ड ना आ जाए कि जिसके कारण मैं हार जाऊं। तो आप इस इमेज से इसे याद कर सकते हो। सेंटेंस, देयर मैरिज हैज़ बीन ऑन द कार्ड्स फॉर सम टाइम नाउ। द नेक्स्ट इज वाइट ब्रेड। वाइट ब्रेड मीन्स सिंपल एंड बोरिंग। अब देखो आप इन दोनों इमेज को देखो, एक इमेज में है वाइट ब्रेड और एक इमेज में है ब्राउन ब्रेड। अब आप यहाँ से आप इसे रिलेट कर लो, भाई जो वाइट ब्रेड खाता है वो सिंपल होता है, नॉर्मली हर कोई खा लेता है ना, और ब्राउन ब्रेड थोड़ी महंगी भी आती है, और जो जिम वगैरह करते हैं आपको पता ही होगा वो ब्राउन ब्रेड खाते हैं। तो आप यहाँ से इसे रिलेट कर सकते हो। सेंटेंस, हर लाइफ इज़ वेरी वाइट ब्रेड। अगला है दोस्तों, स्ट्राइक ऑयल। अब इस स्ट्राइक को आप हड़ताल से रिलेट मत करना, इस स्ट्राइक को उस स्ट्राइक से रिलेट करो जो आपकी एयर स्ट्राइक होती है, बम बारूद बरसते हैं ना ऊपर से, तो उसके लिए भी स्ट्राइक यूज़ किया जाता है। तो अब आप उस बम बारूद की जगह रिलेट करो कि बहुत सारा तेल मिल गया है आपको, तेल की बरसात हो रही है। तो अब आप इसका मीनिंग देखो, टू हैव लक्की सक्सेस, मतलब कि आप ड्रिल कर रहे थे तेल निकालने के लिए, अब वो आपको मिल गया है तो आपको सक्सेस मिल गई है, तो इसको यहाँ से रिलेट कर सकते हो आप। सेंटेंस, स्टॉप ड्रिलिंग वी हैव स्ट्रक ऑयल। नेक्स्ट idiom, नेल वंस कलर टू द मास्ट मीन्स टू रिफ्यूज टू सरेंडर, सरेंडर करने के लिए मना कर देना। अब इसका ओरिजिन देखो दोस्तों कहाँ से आया है, जब समुद्री जहाज द्वारा समुद्र में लड़ाई हो रही होती थी, तो अब जिस समुद्र के जहाज की ताकत कम होती थी तो दूसरा जहाज उनको मैसेज भेजता था कि भाई आप सरेंडर कर दो, लेकिन जिस जहाज की ताकत कमज़ोर होती है वो मना कर देता है कि हम सरेंडर नहीं करेंगे। तो अब नॉर्मली आवाज़ तो पहुँचती नहीं होगी इतने बड़े समुद्र में एक जहाज़ से दूसरे जहाज पर, तो वो क्या करते थे, जो जहाज का सबसे ऊंचा खंभा होता था उस पर जाकर एक कपड़ा लगा देते थे कि भाई जिससे दूसरा जहाज उसको देख कर समझ जाए कि वो सरेंडर नहीं कर रहे हैं। सेंटेंस में यूज़, They nailed their colors to the mast of youth revolt. Next, fringe benefit.
फ्रिंज बेनिफिट मीन्स एन एडिशनल बेनिफिट अपार्ट फ्रॉम द सैलरी, मतलब कि अगर सैलरी से अलावा आपको कुछ और बेनिफिट भी मिल रहा है तो उसे बोलते हैं फ्रिंज बेनिफिट। जैसे कि इस इमेज में एम्प्लॉई को एक्स्ट्रा पैसे दिए गए हैं सैलरी से अलग, तो ये पैसे क्या कहलाएंगे, फ्रिंज बेनिफिट। सेंटेंस, द कंपनी प्लान्स टू बीफ अप आवर फ्रिंज बेनिफिट। नेक्स्ट, हैमर एंड सिकल, ये दोस्तों कम्युनिज्म को बोला जाता है, मतलब कि अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कम्युनिज्म इन जनरल, एक ऐसा सिंबल जो कम्युनिज्म को रिप्रेजेंट करता है उसे बोलते हैं हैमर एंड सिकल। नेक्स्ट, रिप अप ओल्ड सोर्स, हिंदी में आप मुहावरा यूज़ करते हो ना दोस्तों, गड़े मुर्दे उखाड़ना, उसी को इंग्लिश में बोलते हैं रिप अप ओल्ड सोर्स, मीनिंग टू रिवाइव अ क्वारल विच वॉज ऑलमोस्ट फॉरगॉटन, मतलब जो हम भूल गए थे उसे ही दोबारा हमने रिवाइव पुनर्जन्म दे दिया है उस झगड़े को। और हाँ दोस्तों, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। आज का लास्ट idiom दोस्तों, गो अंडर द नाइफ, इसका मतलब होता है हैव सर्जरी, सर्जरी होना, क्या कहलाता है, गो अंडर द नाइफ। आप इस इमेज से भी इसे रिलेट कर सकते हो। सेंटेंस, शी गोज अंडर द नाइफ टुमारो फॉर हर गॉल ब्लैडर। अब दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को ज़रूर पहुँचाना। तो आज का वीडियो हम यहीं एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।